आप लोग का वापस से स्वागत है भाई एक नए जीएम मोड के वीडियो के अंदर। भाई इस बार अपना रहेगा ये वाला एपिसोड 2 रहेगा भाई। इसमें अपना एम तो अपन हम लोग बता ही देते कि ज्यादा से ज्यादा हॉल ऑफ फेम लेना है ताकि अपना बढ़िया चले, एकदम मस्त एकदम रेटिंग्स आए। और अपने को एम चाहिए कि सबसे हर मैचेस में अपने को रेटिंग बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो लेट्स सी भाई अपना मैचेस का बुक चालू कर देते हैं। पहला मैचेस किसका किसका रहेगा, अगर आप लोगों को कोई प्लेयर चाहिए रहेगा तो अपने को बता दीजिएगा। अपने पास थोड़ा बहुत बजट है लेने का प्लेयर, तो आप लोगों को जो भी चाहिए रहेगा प्लेयर तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग को वो चाहिए। चलो भाई तो बुकिंग चालू कर देते हैं, पहला मैचेस बुक करते हैं। पहला मैच रहेगा अपना केलोरेटा फेल का वुमेन चैंपियनशिप का रहेगा पहला मैच। चलो पहला मैच कर देते हैं हम लोग, फ्लेयर वर्सेस विनेंस विनेक का प्लेयर का। इसमें अपन रहेगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वाला मैच, तो टाइटल ऑन रहेगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। चलो भाई इंटरनल कॉस्ट सब सब ठीक है बढ़िया। इसका अपन प्रोमो डाल देते हैं, क्या प्रोमो डालो इसमें, प्रोमो डाल देंगे, चल प्रोमो डाल देते हैं ड्रू मैकेंटायर का। आ जाओ ड्रू मैकेंटायर का अपन प्रोमो डाल देते हैं। चलो भाई लग चुका है, अब दूसरा बुकिंग करते हैं अपन। दूसरा में बुकिंग करेंगे, हाँ अपन अब दूसरा में बुकिंग करेंगे। 1v1 रहेगा गंतर वर्सेस रहेगा रिक्वेटेड टेबल्स का मैच। आ जाओ रिक्वेटेड टेबल्स का ये वाला मैच भी रहेगा टाइटल मैच। पहला टाइटल मैच कर देते हैं, लेट्स गो। नॉर्मली मैच रहेगा ये वाला भी, टाइटल मैच कर देते हैं ये वाला भी। लेट्स गो, इसका प्रोमो में डाल देते हैं अपन, का प्रोमो में रॉक को डाल देते हैं। रोल चेंज प्रोमो रहेगा तो रॉक का प्रोमो रहेगा। चलो भाई यहाँ पे भी प्रोमो सेव हो चुका है। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैच किसका किसका रखना है, नेक्स्ट मैच अपने को रखने का वीर महान वर्सेस जे उसो को। लेट्स गो वीर महान वर्सेस जे उसो कर देते हैं भाई, फुल ब्लड लाइन के साथ मैच बढ़िया। ये भी टाइटल मैच कर देते हैं। चलो भाई आ चुका है वाला भी मैच, इसमें अपना डालना है, इसमें प्रोमो डाल देते हैं। सेकंड वाला पे अपने को दूसरा डालना था, कॉल आउट वाला डालना था, रॉक कॉल आउट ड्रू मैकेंटायर को, ये वाला डालना था अपने को। चलो सेकंड प्रोमो का कुछ सेटिंग था, सेकंड प्रोमो कर दिए, रॉक कॉल आउट ड्रू का डालना था। थर्ड प्रोमो डालना था अपने को कॉडी का, बॉडी कॉल आउट जे उसो, जिमी उसो सॉरी, बॉडी कॉल आउट जिमी उसो उसका डालना था। लेट्स गो मेन इवेंट में सबसे हैवी मैचेस करना ताकि अपने पास अच्छा से अच्छा रेटिंग आए। तो एक 1v1 लगा देते हैं भाई, 1v1 के लिए रहेगा मैच टाइप रहेगा हेल इन अ सेल मैच। लेट्स गो मेन इवेंट का मैच है तो भाई सबसे हैवी तो होना चाहिए और रेटिंग्स भी तो अपने को ज्यादा चाहिए इसमें। ये भी रहेगा अपने पास वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल के लिए। लेट्स गो आ चुका है मैच भाई, बहुत खतरनाक मजे आने वाले वाला मैच पे, और अपने पास आएगा इसका रेटिंग्स भी बढ़िया। चलो भाई सभी चीज का सेटिंग हो चुका है, अब अपन करते हैं कंफर्म बुकिंग। लेट्स गो अपने को 100 कोस्ट का पड़ रहा है, कम से कम $43, तो अपने पास 4 लाख डॉलर है, कुछ 4 लाख डॉलर है तो अपने पास अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। और अपने को एक चीज और ध्यान देना है कि भाई अपने ना सुपरस्टार लोग ज्यादा से ज्यादा इंजरी ना हो, तो अपने को दोनों का बैटल और स्टैमिना पे चेकआउट भी करते रहना है कि ज्यादा डैमेज ना हो। चलो भाई बुकिंग चालू कर देते, अपना $43 लग रहा है इस मैच के लिए। चलो बुक कर देते हैं भाई मैच स्मैकडाउन के लिए। आ जाओ भाई पहला मैच रहेगा अपना
फ्लोरिडा फ्लेयर वर्सेस विंस फ्लेयर के साथ जो रहेगा इसका टाइटल मैच। तो लेट्स सी, सिमुलेट करते हैं भाई क्या रेटिंग दिया है मैच। विनर हुई क्लोरिटा फेल्स, रेटिंग्स बहुत कम आया, गुड रेटिंग आया है, चलो चलेगा। 3 रेटिंग आया है। प्रोमो कितना बढ़िया गया, प्रोमो पॉपअप कुछ नहीं हुआ है। ड्रू मैकइंटायर ने प्रोमो पॉपुलैरिटी कुछ नहीं बढ़ा इससे, इसमें कुछ नहीं था। इसका सिमुलेट करते गटर वर्सेस इक्विटेट का, लेट्स सी क्या होता है। रिक्रूटेड जीतता है ये वाला मैच, इसमें अच्छा रेटिंग लाया है रिक्रूटेड, ये बढ़िया था कॉल आउट की ग्रेड के साथ अच्छा लाया है। अपने पास आया है 4.5 स्टार, 3.5 वही 4.5 स्टार है। चलो ठीक है, पॉपुलैरिटी कितना है लोग बढ़ाया है, एक्सीलेंस लाया है प्रोमो रेटिंग, चलो ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, मिड कार्ड मैच। मिड कार्ड मैच में क्या रहेगा, जे उसो जीता ये वाला मैच। बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा जे उसो का यहाँ पे, ये मैचेस थोड़ा सही नहीं गया, अपने को अच्छा से थोड़ा और ध्यान देना होगा सेकेंड एपिसोड में, मैचेस कुछ अच्छा नहीं किया। इस बार प्रोमो रेटिंग भी गुड कुछ आया है, चलो ठीक है। अब मैचेस है जॉन सीना वर्सेस ऑर्टन, ये वाला मैच तो अपने को स्पेक्टेट करना जरूरी है भाई, ये वाला राइवलरी तो स्पेक्टेट करना जरूरी है। चलो भाई आ जाओ स्मैकडाउन, थोड़ा सा रेटिंग्स बहुत ऊपर नीचे हुआ है, कोई बात नहीं भाई, अपन दूसरा वीक में इसको पूरा मैनेज कर लेंगे, अपन दूसरा वीक में थोड़ा अच्छा से राइवलरी चेक करेंगे। लेट्स गो भाई, ये वाला मैच होने वाला है हेल इन अ सेल, ऑर्टन वर्सेस रहेगा जॉन सीना का मैच। लेट्स सी क्या होता है ये वाला मैच में, कौन लेके जाता है ये वाला टाइटल। और अपने को ये मैच से तो अपने को उम्मीद है कि अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग मिले ये मैच से, लेट्स सी क्या होता है, क्या ऑर्टन जीतता है ये वाला मैच या फिर जॉन सीना। हेलिना सेल मैच रहेगा, लेट्स गो क्या होता है भाई इस मैच पे, लेट्स सी। ओ भाई ऑर्टन का आते ही यहाँ पे अपर कट का स्टार्टिंग हो चुका है ऑर्टन का यहाँ पे। लेट्स सी रिवर्स भी मारा है जॉन सीना, बढ़िया रिवर्स, यहाँ पे सुप्लेक्स लगाएगा, खतरनाक वाला सुप्लेक्स यहाँ पे। लेट्स गो बाय जॉन सीना को, तो यहाँ पे कमबैक फॉर्म दिखाना होगा पूरा, यहाँ पे छड़ी ला रहा है जॉन सीना पर कोई फायदा नहीं। यहाँ पे ऑर्टन भी नीचे उतर चुका है रिंग के, दोनों के दोनों रिंग के नीचे उतरते हुए, भाई रिंग टूटना तो मांगता है ब्रो, हेल इन अ सेल मैच है, ऐसा मत करना, रिंग मत, रिंग तो तोड़ना मांगता है। लेट्स सी बाय, रिंग तोड़ना तो मांगता है यार भाई, ये मैच को थोड़ा अच्छा सा रेटिंग देना है तुम लोग को यार, बढ़िया खेलना दोनों के दोनों। तो भाई यहाँ पे स्टनर पड़ गया जॉन सीना को, जॉन सीना की तरफ से यहाँ पे ऑर्टन को खतरनाक वाला स्टनर यहाँ पे। लेट्स गो भाई जॉन सीना, कुछ तो कमाल दिखाओ। ओ यहाँ पे फेस प्लस मारने वाला था पर ऑर्टन ने उठा लिया इसको, रिंग के बाहर फेंकते हुए ऑर्टन और अपना मूव्स दिखाते हुए, बढ़िया ऑर्टन। जॉन सीना यहाँ पे कमबैक करेगा तो तुम सकोगे भी नहीं, लेट्स गो जॉन सीना कमबैक दिखाओ यार। ओ भाई ऑर्टन तो गलती भर रहा है जॉन सीना को यहाँ पे, गलती भर रहा भाई जॉन सीना को। लेट्स गो चेयर फेंक दिया ऑर्टन, लेट्स सी क्या होता है। अपर कट पे अपर कट लगा दिया यहाँ पे ऑर्टन जॉन सीना को, भाई सेल टूटने की बात हुई थी यार, सेल तो तोड़ो तभी तो मैचेस में कुछ ज्यादा मजा आएगा यार। तो भाई ये खतरनाक वाला स्प्लैश पड़ेगा यहाँ पे जॉन सीना को, गलत वाला स्प्लैश, यहाँ पे सिग्नेचर मूव्स आएगा लगता है ऑर्टन का, यहाँ पे सिग्नेचर भर चुका है ऑर्टन का। लेट्स गो ऑर्टन क्या सिग्नेचर मूव लगाएगा यहाँ पे,
लेट्स गो भाई, ये देखने में मजा आएगा। पर टेबल अंदर आते हुए यहाँ पे टेबल आ चुका भाई अंदर पे, खतरनाक वाला स्प्लैश यहाँ पे। लेट्स सी भाई क्या सीन होता है यहाँ पे। ऑर्टन क्या रिवर कमबैक कर पाएगा भाई? जॉन सीनो को यहाँ पे कमबैक करने का मौका मिला है, यहाँ पे फेस प्लस मार के अपना सिग्नेचर भरेगा। लेट्स गो भाई, जॉन सीनो को सिग्नेचर लगाना पड़ेगा जल्दी से अगर ये वाला मैच निकालना है और टाइटल चाहिए तो। यहाँ पे सुप्लेक्स पड़ते हुए यहाँ पे ऑर्टन की तरफ से जॉन सीना को, खतरनाक वाला मैच चलते हुए यहाँ पे, गलती वाला फाइट। लेट्स गो, ऑर्टन लगता है रिंग के बाहर फेंकने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पे छड़ी उठ चुका है लगेगा क्या, पर यहाँ पे जॉन सीना अच्छा सही टाइम पे कमबैक दिखाया। लेट्स गो भाई, यहाँ पे फिनिशर की बात आ रही, लो भाई सिग्नेचर मूव्स आ चुका है यहाँ पे जॉन सीना का, पर यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवर्स ऑर्टन की तरफ से, गलती टाइम पे ऑर्टन को रिवर्स ने मारा है। लेट्स गो, पिन करेगा क्या? नहीं नहीं बच गया, खतरनाक टाइम पे यहाँ पे रिवर्स किया था। लेट्स गो, यहाँ पे जॉन सीना चीयर उठा चुका है, क्या पड़ेगा क्या ऑर्टन को? लेट्स गो बाय, यहाँ पे जॉन सीना चीयर उठा लिया, पर यहाँ पे ऑर्टन डीडीटी लगाते हुए खतरनाक वाला जॉन सीना को, गलती वाला डीडीटी पड़ेगा यहाँ पे। तो बाय, फिनिशर भी आ चुका है ऑर्टन का, यहाँ पे खतरनाक वाला डीडीटी पड़ चुका है यहाँ पे जॉन सीना को, बहुत ज्यादा डैमेज है यहाँ पे जॉन सीना। लेट्स गो, लगता फिनिशर लगाने की बारी जा रहा है क्या? लो बाय, फिनिशर का बात और फिनिशर का इस्तेमाल हो चुका है ऑर्टन का यहाँ पे, जॉन सीना बहुत ज्यादा डैमेज है। लेट्स सी जॉन सीना यहाँ पे रिकवर कर पाता है कि नहीं, कर लिया भाई, यहाँ पे जॉन सीना रिकवर कर चुका है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, कमबैक आएगा क्या ऑर्टन का? भाई ये बढ़िया फिनिशर लगाया था, पर जॉन सीना सही टाइम पे कमबैक किया है। यहाँ पे छड़ी उठ चुका, पड़ेगा क्या? पड़ेगी ऑर्टन को, पर रिवर्स कर दिया बहुत बढ़िया ऑर्टन, ये बढ़िया शॉट था कि रिवर्स कर दिया सही टाइम पे। अगर अब ऑर्टन फिनिशर लगाता है जॉन सीना को तो भाई ये ला मैच तो जॉन सीना पक्का हार जाएगा, ऑर्टन लेके चल जाएगा ये ला मैच। लेट्स सी क्या होता है। अगर ऑर्टन फिनिशर लगाने जा रहा है क्या? लेट्स गो बाय, यहाँ पे मूव्स आने वाला लगता है ऑर्टन का, खतरनाक वाला मूव यहाँ पे ऑर्टन का जॉन सीना पे, पिन होगा जॉन सीना पे, लग रहा जॉन सीना हार गया, यहाँ पे ऑर्टन जीत चुका है ये वाला मैच। लग ही रहा था भाई ऑर्टन लेके जाएगा, क्योंकि ये वाला स्मैकडाउन मेन इवेंट में जीत चुका है यहाँ पे ऑर्टन, पर जॉन सीना यहाँ पे अच्छा सरवाइव किया, पर ये वाला मैच नहीं ले जा पाया। ऑर्टन ने सही सही टाइम पर फिनिशर अपना इस्तेमाल किया है, जॉन सीना को मौका नहीं मिला फिनिशर इस्तेमाल करने का, यहाँ पे ऑर्टन जीत चुका है ये वाला मैच, हरा चुका है टाइटल इसके पास, यूनिवर्सल का टाइटल ऑर्टन के पास। लेट्स गो बाय, ऑर्टन ये वाला मैच निकालते हुए, खतरनाक मैच रहा ये वाला, रेटिंग बढ़िया नहीं था भाई ये वाला तो मैच, राइवलरी का था, बहुत बढ़िया राइवलरी हुआ, 4 स्टार हुआ है, चलो बढ़िया है, ठीक है। अपने को चाहिए था थोड़ा 4 या 5, 4.5 रहता तो, 5.5 रहता तो वो भी बढ़िया लगता, पर कोई ना भाई ये मैचेस था बढ़िया। चलो लेट्स सी अपना अपोनेंट टीम, अपोनेंट जो है रॉ, रॉ क्या हाल किया है एला यहाँ पे, तो ऑर्टन जीत गया भाई, अपने को यही स्टार हर मैचेस पे चाहिए था, पर कोई ना, मेन इवेंट की बात थी। चलो भाई रॉ का चेकआउट करते हैं भाई, ये लोग तो ट्रिपल थ्रेड मैच भी किया है। मेडिक्योर भाई हम लोग से भी खतरनाक था ये लोग का मैच तो।
इसमें पॉपुलैरिटी गेन की है आर्थर, तो लेट्स सी डॉब जिगलर वर्सेस आईबीआर था ये लोग का। यहाँ पे डॉब जिगलर जीता, क्या रेटिंग दिया, मेडिकेयर दिया, चलो ठीक है, अपने से बहुत गंदा रेटिंग है लोग का ये, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलैरिटी ये गेन किया 4, अपने पास पॉपुलैरिटी कोई प्लेयर सही गेन नहीं किया। ये लोग फाइटल 4-वे किया था, रेम स्टूडियो वर्सेस ओमस रिडल हॉलैंड और क्रिस टीओलर का, ये थोड़ा हमको लग रहा अच्छा लेके आएगा, रेम स्टूडियो में जीता था, डिसपॉइंटिंग, चलो ठीक है, लोग का अपना सही स्टार नहीं है। ये लोग दोनों का देखते हैं भाई क्या सीन हुआ है, मेन इवेंट में क्या था, ये भी वही है। तो भाई अपने पास अच्छा रेटिंग्स आया है, ये अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं भाई, अपना मेन इवेंट में अच्छा ज़्यादा आया है, मेन इवेंट में अपने पास अच्छा खासा आया है, बस ये सब में थोड़ा ओपनर मिड कार्ड सेकंड मिड कार्ड ये सब में थोड़ा गलत सीन गया है। ओपनर में तो सबसे ज़्यादा गया, क्योंकि ओपनर का अपने देख रहे तो देख लो 3 स्टार पे बहुत ज़्यादा नीचे, मिड कार्ड ठीक गया, सबसे सेकंड वाला मिड कार्ड जो अपन किए थे वीरमान और जे उसो का, ये बहुत ज़्यादा गंदा गया। अपने पास ये चीज़ है कि अपने पास इंजरी कोई नहीं हुआ है, कोई ना पुअर ओपनिंग था, कोई बात नहीं, अपने को पूरा टोटल मिला है। इसमें फैन चेंज हुआ है, 40,000 फैन एडन हुए है, बजट हुआ है 20 डॉलर का, बस प्रॉफिट मिला है, बहुत कम है डॉलर, क्योंकि अपन लगाए थे 40 डॉलर, 43 डॉलर लगाए थे अपन, 43,500 डॉलर लगा था अपना मैच में पूरा, पर अपने को उसमें से प्रॉफिट सिर्फ निकला है 20,970 डॉलर। चलो कोई बात नहीं, पहला वीक था, अपना बजट बन चुका है 4,99,817 का, पहला वीक था, अपने पास फैन आ चुका है बढ़िया। ये लोग का तो उतना बढ़िया रहेगा नहीं, आपको पता है, ये लोग का सो कॉस्ट ही 7,000 डॉलर था, अपना सो कॉस्ट था 43,000 डॉलर, भाई ये लोग बहुत कम कम में निकाला है, पर ये लोग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनाया है, क्योंकि ये लोग के पास प्रॉफिट है 57,243 डॉलर बनाया है लोग प्रॉफिट, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, फैंस उतना एडवर्स नहीं हुआ अपने तक, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना लिया है लोग मैचेस से। अपने पास एक कमिश्नर गोल एड ऑन हुआ तो दी मून का, चलो कोई बात नहीं, कट एंगल नंबर 1 ही पे चल रहा है,